हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सिविल ग्राम चैनल। टुडे वी आर डिस्कस लेक्चर 2, डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट मेथड्स विच आर यूज फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ आरसीसी बीम्स। जो इसमें पहला मेथड है वो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। ये मेथड आपका ओल्डेस्ट मेथड है। ये मेथड आपका हुक्स लॉ को ओवे करता है। इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है ये मेथड। इसका मतलब है कि आपकी जो स्टील और कंक्रीट होगी वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगी और जो स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। ये मेथड आपका परमिसिबल स्ट्रेसेस पर बेस्ड है। आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे वर्किंग लोड्स का, अगर आप वर्स्ट ख़राब से भी ख़राब कॉम्बिनेशन बनाते हैं लोड्स का, वो जो स्ट्रेसेस डेवलप करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर वो आपकी इन परमिसिबल स्ट्रेसेस से कम आनी चाहिए। ये मेथड इन सारी चीज़ों को बताता है। ये मेथड आपका इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड है। जैसा मैंने बताया, इस मेथड्स में कुछ अजम्पशंस हैं जो इस मेथड को हमको यूज़ करने के लिए हेल्पफुल होंगे। अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, ये सारे अजम्पशंस आपको IS 456 में गिवन है। अपेंडिक्स बी में आपको ये सारे अजम्पशंस मिल जाएंगे। पहला जो अजम्पशन है वो है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर बेंडिंग, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मतलब ये जो स्टेटमेंट कहता है कि जैसे अगर आपका बीम रेक्टेंगुलर शेप का है या स्क्वायर शेप का है या सर्कुलर शेप का है, किसी भी शेप का है, जब उस पर लोड लगेगा तो जो उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा, जिस सेक्शन पर लोड लग रहा है वो सेक्शन आपका सेम रहेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है और उसके ऊपर अगर लोड लगाएंगे तो वो रेक्टेंगुलर ही रहेगा, उसकी शेप सर्कुलर नहीं होगी। और लोड लगाने के बाद जब हम उसको हटाएंगे लोड को, तब भी वो रेक्टेंगुलर ही रहेगा, उसकी शेप सर्कुलर नहीं होगी। यानी कि जो शेप है वो आपका इसमें सेम रहेगा। सेकंड अजम्पशन जो है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप का। जैसा मैंने कहा था, ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है, तो इसमें स्टील और कंक्रीट के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। थर्ड अजम्पशन जो है हमारा वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर स्टील एंड कंक्रीट आर कांस्टेंट, यानी कि ES एंड EC आर कांस्टेंट। फोर्थ अजम्पशन इज टेंसाइल स्ट्रेसेस आर ओनली टेकन बाय स्टील। जो भी सेक्शन में आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं वो स्टील ही गवर्न करेगा, कंक्रीट नहीं करेगा टेंसाइल स्ट्रेसेस को गवर्न। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट इज नो इनिशियल स्ट्रेसेस इन स्टील एंड कंक्रीट। कोई भी इनिशियल स्ट्रेसेस नहीं होंगी स्टील और कंक्रीट में स्ट्रक्चर के अंदर। आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने के लिए है कि जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो स्ट्रक्चर मेथड है बीम्स को डिज़ाइन करने के लिए, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसको हम WSM मेथड भी कहते हैं। तो ये परमिसिबल स्ट्रेसेस पर बेस्ड होता है। परमिसिबल स्ट्रेसेस का मतलब है कि एक रेशियो होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जब हम लोग स्टील के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम लोग यील्ड स्ट्रेस ऑफ स्टील निकालते हैं, और जब हम लोग कंक्रीट के बारे में बात कर रहे होते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट लेते हैं। सेकंड नोट है कि स्टील के लिए WSM मेथड में फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 1.78 ली जाती है, और कंक्रीट के लिए बेंडिंग कंप्रेशन में 3 ली जाती है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की डायरेक्ट कंप्रेशन में 4 ली जाती है। बेंडिंग कंप्रेशन का मतलब है कि जब हम लोग बेंडिंग होती है, तो जब हम लोग बीम्स की बात कर रहे होते हैं तब हम लोग बेंडिंग कंप्रेशन की बात कर रहे होते हैं। डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब है कि जब आप कॉलम की बात करेंगे तब आप डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि कॉलम जो है वो आपका कंप्रेसिव मेंबर होता है, उसमें जो लोड होता है वो प्योरली एक्सियल लोड होता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कंप्रेशन में हम 4 वैल्यू लेते हैं कंक्रीट की। स्टील की सेम रहेगी 1.78। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस की हम लोग बात कर रहे थे, तो बेंडिंग कंप्रेशन के लिए डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए सिग्मा CVC यानी कि बेंडिंग कंप्रेशन की वैल्यू अलग अलग होती है। तो यहाँ एक टेबल है जिसमें डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ
सीमेंट कंक्रीट दे रखे हैं, जैसे M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, तो इनके लिए सिमिलर वैल्यूज़ दिए गई हैं। जैसे M15 के लिए 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M20 के लिए 7 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M25 के लिए 8.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, M30 के लिए 10, M35 के लिए 11.5, M40 के लिए 13, M45 के लिए 14.5। जिस तरह हमने अभी कंक्रीट में परमिसिबल स्ट्रेसेस को देखा, उसी तरह सेम स्टील के लिए भी कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं। जैसा कि हमने मेथड में पढ़ा था अभी, कि जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होंगी, जो भी लोड पर स्ट्रेसेस एक्ट कर रही होंगी, एक्सटर्नल जो डेवलप लोड के कारण जो डेवलप होंगी स्ट्रेसेस, वो परमिसिबल स्ट्रेसेस इनसे कम होनी चाहिए स्ट्रक्चर में। तो स्टील में हम लोगों ने टेंशन का स्टील में जब टेंशन के लिए हम टेंशन जोन में हम स्टील को यूज़ कर रहे होंगे, तो हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट देखी थी। तो उसमें हमने माइल्ड स्टील बार्स भी देखी थी और HY स्टील बार्स भी देखी थी। तो माइल्ड स्टील बार्स के लिए टेंशन जोन में परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील, यानी कि सिग्मा सिग्मा ST जो ये वैल्यू है, वो आपकी MS बार के लिए 140 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होनी चाहिए, और HYSD बार के लिए हम 230 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, कंप्रेशन जो हम कॉलम के लिए, कंप्रेशन के केस में जब हम रिइंफोर्समेंट यूज़ करेंगे, तो कॉलम के केस में हम σSC, यानी कि बेंडिंग स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन, तो इसमें हम माइल्ड स्टील बार के लिए 130 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर यूज़ करेंगे वैल्यू को, और HYSD के लिए 190 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर करेंगे। सेम जैसे हम लोग बीम्स की बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों को बीम डिज़ाइन करनी है इस मेथड से, तो कंप्रेशन में बीम्स जो के लिए हम क्या करेंगे कि σSC की जो वैल्यू होगी, और 1.5 टाइम्स द मॉडुलर रेशियो, इन दोनों वैल्यू में से जो वैल्यू लेसर होगी, जिनकी वैल्यू कम आएगी, वही आपकी σSC की वैल्यू बन जाएगी। मॉडुलर रेशियोस, मॉडुलर रेशियो एक तरीके का रेशियो होता है, जिसमें हम इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का ये रेशियो होता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है मॉडुलर रेशियो की, वो होती है 280/3 σCVC। σCVC परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की न्यूटन पर एम स्क्वायर। जो मॉडुलर रेशियो है, वो हमने अभी डिस्कस किया था, ES/ECV इसका सेकेंड फॉर्म होता है। अगर क्वेश्चन में हमको ये नहीं दे रखा होता σCVC, तो हमको क्वेश्चन में गिवन होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, तो हम उसके रेशियो से हम मॉडुलर रेशियो फाइंड कर सकते हैं। हम लोग बीम्स को डिज़ाइन के लिए मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इस डिज़ाइनिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स को डिज़ाइन करते हैं। जैसे पहली जो बीम है, वो आपकी सिंगली बीम है। सिंगली बीम जो है, वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है कि ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, इसकी ओवरऑल डेप्थ जो है वो कैपिटल डी है, और ये जो ये एक एक्सिस पास हो रही है, इसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, जो इस सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जो सिंगली बीम्स होती हैं, इसमें जो रीइन्फोर्समेंट होती है, ये जो सर्कल्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके रीइन्फोर्समेंट हैं। इन रीइन्फोर्समेंट को हम केवल टेंसाइल जोन में प्रोवाइड करते हैं। तो सिंगली रीइन्फोर्स बीम में केवल स्टील जो है वो टेंसाइल जोन में प्रोवाइड होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डबली बीम्स जो होती हैं, वो सेम सिंगली की तरह होती हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि सिंगली में हम टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं, और डबली में हम कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। तो जब कंप्रेशन में प्रोवाइड करेंगे, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो ASC हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट। और यहाँ पर टेंशन में जब प्रोवाइड कर रहे थे, तो इसका नाम हो जाएगा एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम होती हैं, ओवरऑल डेप्थ, न्यूट्रल एक्सिस। और जो हमारी थर्ड बीम है, वो आपकी फ्लैंज बीम कहलाती हैं। इनके अंदर आपकी दो बीम्स होती हैं, एक टी बीम्स होती है और एक एल बीम्स होती है। टी बीम्स में क्या होता है कि टी बीम्स में एक फ्लैंज होता है और एक बैब होता है, और इसमें डेप्थ ऑफ द फ्लैंज, ये पोर्शन आपका डेप्थ ऑफ द फ्लैंज कहलाता है, ये टॉप पोर्शन आपका विड्थ ऑफ द फ्लैंज BF कहलाता है, ये पोर्शन आपका बैब कहलाता है, और जो AST होती है वो नीचे जोन में प्रोवाइड कराते हैं।
जो राइट हैंड साइड में ये जो सेक्शन है ये आपका एल बीम्स का सेक्शन है, इसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, और एएसटी भी हम बॉटम पोर्शन में प्रोवाइड कराते हैं। ये बीम्स तब डिज़ाइन करते हैं जब हम सेक्शन जो बीम्स हैं वो जब हम मोनोलिथिकली स्ट्रक्चर को कास्ट कर रहे होते हैं तब ये बीम्स को हम डिज़ाइन करते हैं डिफरेंट सेक्शंस को। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंटरमीडिएट बीम्स होती हैं वो सारी आपकी टी बीम्स होती हैं, और जो आपकी कॉर्नर्स की जो बीम्स होंगी वो आपकी एल बीम्स होंगी। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट इन द प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।